हाय फ्रेंड्स, आल्सो फेसबुक माय फ्रेंड, ओके। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। पहले तो आपको हमारी टीम की तरफ से लोहड़ी की एंड मकर संक्रांति की बहुत 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 बधाई हो। लोहड़ी तो चल आई, नो दैट कि कल बारिश के कारण थोड़ा सबका मूड खराब गया। बच्चे, खासकर बच्चे का, जा बच्चे बच्चे लोग का बहुत, हम भी, मैं, मुझे मालूम है कि जब हम छोटे थे लोहड़ी जाकर हर घर घर में जाते थे तो ये दिन काफ़ी लंबे समय से वेट करते थे, प्लान आउट करते थे, गाने तैयार करते थे कि ये गाना है, ऐसा करना है, और वो कल बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फिरा। बट डोंट वरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज भी बहुत सारे मैंने बच्चे मेरे देखे, मेरे घर में आए, परसों भी आए थे, कल भी आए, फिर भी जैसे बारिश रुकती थी, और आज भी बच्चे बहुत सारे आए, तो उन्होंने चलो रिकवरी कैसे भी की। बाकी मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई हो माई फ्रेंड, और जल्दी से न्यूज़ माई फ्रेंड। वैसे आपको वहाँ पर ऊपर हमारे अपकमिंग लाइव शो का अपडेशन मिलती रहेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, दिस सैटरडे या संडे, स्पेशली संडे इज रियली रियली रॉकिंग माई फ्रेंड। कलकत्ते में रहने वालों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है माई फ्रेंड, 177वां चैंपियनशिप डॉग शो हो रहा है। कितना लंबा कहना क्लब है, 177 साल हो गया इनको शो करते हैं माई फ्रेंड। अगर ये दो पैटर्न में भी यूज करूं, जैसे 176वां और 177वां, तो भी आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट माई फ्रेंड 80 साल हो गए हैं इस कैनल क्लब को ये करते हुए। तो बहुत पुराना और बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल ये शो है, ये क्लब है। तो प्लीज माई फ्रेंड, कलकत्ता कैनल क्लब जरूर विजिट कीजिए। आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, बाकी आपको वेन्यू भी हम, जैसे आप जानते हो, फ्राइडे सैटरडे हम अपडेशन कर देते हैं, बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर लीजिए। उसके बाद जयपुर, महाराजा राजाओं की सिटी जयपुर में माय फ्रेंड चैंपियनशिप हो रहा है, ये 7वां और 8वां डॉग शो जयपुर में माय फ्रेंड, प्लीज आप लोग, एक बहुत बढ़िया प्लेस है, जरूर विजिट कीजिए। उसके बाद है हैदराबाद, ओ ग्रेट माय फ्रेंड, ये भी जर्मन शेफर्ड डॉग सर्टिफाइड ट्विस्ट चैंपियनशिप है, ये भी स्पेशल शो है जर्मन शेफर्ड का माई फ्रेंड। तो दिस सैटरडे एंड संडे, स्पेशली संडे 19 जनवरी को कलकत्ता, जयपुर एंड हैदराबाद रॉकिंग। बाकी ये तीसरा सिटी, ये क्या प्रनाउंस है सर? थ्रिसुर, ये माई फ्रेंड थ्रिसुर है, मैं सॉरी अगर मैं गलत प्रनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो थ्रिसुर में भी 37वां और 38वां चैंपियनशिप डॉग शो। तो दिस संडे 4 बिग, कलकत्ता, त्रिशूर, जयपुर, हैदराबाद, अगर आप यहाँ हो, नियर बाय हो, तो जरूर 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 विजिट कीजिए। बाकी रही माई फ्रेंड स्टोरी आज की, स्टोरी आज की बात है कि डॉग के लिए एक बेटर स्लीप के लिए क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। कि हाँ, जितनी हमारी नींद इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे प्रेजेंट ऑफ माइंड के लिए, ऐसे हमारे पेट की भी है, तो चीज़ों का ध्यान रखिए। वैसे हमने स्टोरी यहाँ चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या चीज़ों के लिए हमें सावधान रखनी है कि हमारा डॉग भी आराम की और चैन की नींद दे। उसका सबसे तो दो तीन चार क्या चीज़ें हैं। ओ यार, एक और माई फ्रेंड, पंजाब में, आई फॉरगेट अगेन, थैंक्स टू रिमेंबर माई फ्रेंड, रिमाइंड मी, कल तरन तारण में पहला डॉग शो हो रहा है माई फ्रेंड, प्लीज विजिट कीजिए। वेन्यू है वहाँ पर कुछ, तरन तारण में पहला डॉग शो हो रहा है पंजाब के, जो है मेरे फ्रेंड, अगर आप माय फ्रेंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो सर में जो है फुटबॉल स्टेडियम पिंडी, ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है माय फ्रेंड, प्लीज विजिट कीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड ओपन डॉग शो, ये ओपन है माई फ्रेंड, यहाँ पर आप विदाउट पेपर, पेपर, हर तरह का डॉग और हर ब्रीड लेकर जा सकते हो। पार्टिसिपेट करना है तो भी इज ग्रेट, अदरवाइज अगर आप वैसे ही डॉग शो में अपने डॉग को घुमाने दिखाने या वाह वाह लेने जा रहे हो, तो अभी जरूर विजिट कीजिए। बाकी मैं स्टोरी की बात कर रहा था, डॉग की स्लीप बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या क्या सावधानी है। एक तो प्रॉपर डॉग का कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, आप अपने बेड पर डॉग को मत सुलाइए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होता रहता है, टाइम शेड्यूल चेंज होता रहता है, इससे डॉग भी अनकंफर्टेबल होगा। तो डॉग को हमेशा एक नरम गद्दे पर, बेड पर, डॉग हाउस में, जहाँ भी सुलाइए। स्पेशल अगर डॉग आपको स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस रिलीफ दवाइयाँ आपको मिल जाए, हमारी अवेलेबल है हर्बल हर जगह, वो मिल जाती हैं। उसके बाद डॉग के कुछ थे, प्रॉपर उसका खाने का शेड्यूल फिक्स कीजिए कि कब उसको खाना देना है, और उसका के लिए बॉन्डिंग का टाइम है वो भी फिक्स कीजिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन जैसे याद में बताता रहूँगा, लेकिन स्टोरी का बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज का जो मेन टॉपिक है माई फ्रेंड,
अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने बात किया था कि उसके डॉग को निमोनिया हो गया, ठंडी लग गई, बहुत खर्चा किया लेकिन वो डॉग को बचा नहीं पाए। स्टार्ट बात कहाँ से हुई कि उसने इतनी ठंडी में डॉग को आफ्टर 35 डेज या अराउंड 38 डेज पर बाथ दे दिया। मैं बार बार कहता रहता हूँ माई फ्रेंड कि जब भी विंटर का समय आ जाए डॉग को 90 दिन से पहले नहलाना नहीं है पानी के साथ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, डॉग के ड्राई बाथ आता है अगर उसकी बॉडी से बदबू आ रही है, उसके लिए परफ्यूम्स आते हैं, ड्यूस आते हैं। अगर डॉग की बॉडी में टिक्स हैं तो उसके लिए एंटी टिक्स पाउडर आता है। आपको हमारे www.bholachola.com www.bholachola.com पर ये सारा सामान मिल जाएगा। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, हमारे इंडिया में लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं, और वहां पर जाइए, विजिट कीजिए माय फ्रेंड, आपको हर चीज सही रेट में समय पर मिल जाएगी। और जहां पर अगर हमारा मान लीजिए जैसे पुणे में, मुंबई में, यहाँ पर भी सराउंडिंग एरिया में हमारी वेबसाइट है, वहां पर विद इन 1 डे डिलीवरी है। यहाँ पर हमारी फ्रेंचाइज है, वो कहता मेंशन हुआ था कि यहाँ चीज 1 डे डिलीवर है विद इन 24 आवर्स। तो प्लीज माय फ्रेंड, डॉग को बाथ मत दीजिए 90 दिन तक। अगर आप छोटा पप्पी लेकर आ रहे हो, हमारा वीडियो ऑलरेडी डॉग के ड्राई बाथ के ऊपर भी है, डॉग के टिक्स रिमूवर के ऊपर भी है, शैम्पू के ऊपर भी है। तो प्लीज माय फ्रेंड, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए कीजिए, भोला शोला के नाम से ऐप है, आईफोन और एंड्रॉयड फोन दोनों पर है माय फ्रेंड। तो प्लीज विजिट कीजिए और अपना बड़ी बड़ी छोटी हर प्रॉब्लम को वीडियो के द्वारा सॉल्व कीजिए आप, क्योंकि हमारी हर टॉपिक पर वीडियो है आपको हर चीज गाइड करने के लिए। जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है माय फ्रेंड, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ओके जी, हरमन सर, स्टार्ट द शो प्लीज। प्रियांशु राज सर, मेरा डॉग है, उसको फर्स्ट ईयर 9-in-1 वैनगार्ड का वैक्सीनेशन लगा है, अब उसका सेकंड ईयर का वैक्सीनेशन लगवाना है, तो कोई और ब्रांड जरूरी का नहीं है कि सकते वही हैं ब्रांड है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी वही ब्रांड हो। हाँ, लेकिन 7-in-1 होना चाहिए, आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हो, लेकिन कभी भी ज्यादा सस्ती कंपनी मत लीजिए माय फ्रेंड। हिट गाने हाय माइस 107 डेज ओल्ड लैप अप जब ग्राउंड या वॉक पर जाता है तो गोबर खाता है, डीवॉर्मिंग भी की, अब क्या करें? जहाँ तो डिवॉर्मिंग सही नहीं हुई, मेरे हिसाब से डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, उसका एक सबसे बड़ा कारण, एक दो कारण हो सकते हैं, या तो बॉडी वेट चेक करने से आप चूक कर गए, या फिर जिस कंपनी की दवाई दी उस दवाई ने प्रॉपर काम नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि आप प्लीज, अगर 8-10 दिन का गैप हो गया है, आप दवाई दी को पहले 8-10 दिन हो गए हैं आज, तो दोबारा डिवॉर्म कर सकते हो आप किसी और कंपनी की दवाई के साथ, डिवॉर्मर के साथ, लेकिन डॉग का प्रॉपर बॉडी वेट जरूर चेक कीजिए। और सबसे जरूरी ये बात है कि डॉग का टाइम भी आप डिवॉर्मिंग का चेंज कर सकते हो, अगर शाम को की थी तो सुबह करके देख लीजिए। प्रिंस डॉग क्लब, हेलो सर, मैं हाय, ताप संधू, आई एम इज अमेरिकन बुली, गुड फॉर फर्स्ट टाइम ऑनर। यस, दे आर वेरी गुड, अच्छे वॉच डॉग होते हैं, बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ब्रीडर ने आपको एक प्योरिटी और एक हेल्थी डॉग देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चाहे हम हो या कोई भी बंदा हो या कोई लेडीज हो। तो बट डॉग का बिहेवियर कैसे बनाना है, क्योंकि कभी कभी मेरे भी क्वेश्चन आता है कि मेरा डॉग 5 महीने के बाद मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरे काटने को आ रहा है। बिहेवियर डॉग को कभी भी ब्रीडर या कोई नहीं देता, डॉग जहाँ रहता है हम उसको कितनी एक डिसिप्लिन प्रोटोकॉल में लाइफ दे रहे हैं, कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम डॉग को हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर, तो फिर तो वो पग, अमेरिकन बुली क्या, पग भी अगर आप घर में रखोगे तो वो भी आपका बॉस बन जाएगा। YouTube पिटबुल क्रॉस अमेरिकन बुली पप कैसा आएगा? ये जब पिटबुल के ऊपर बैन की बात या कुछ समय से पहले कुछ स्टार्ट हुआ था कि पिटबुल में ये चीज़ में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने अमेरिकन बुलीज के साथ पिटबुल को मिक्स किया था और रिजल्ट बुरा नहीं आया। डॉग एक अच्छे ट्रस्टेबल थे, ऐसे नहीं कि पिटबुल की तरह हर टाइम जो एक अग्रेसिव मोड में, एक बुल्ली की तरह मोटे तगड़े भी नहीं थे लेकिन पिटबुल की तरह अग्रेसिव भी नहीं थे, एक बीच वाली ब्रीड आई थी, लेकिन वो बहुत बहुत कम है माय फ्रेंड। विकास पाल सर, पिटबुल एज 8 मंथ, उसके लेफ्ट कान में दर्द है मेल। देखो माय फ्रेंड, पिटबुल के या कोई भी ब्रीड ऐसी होती हैं जिनके कान खड़े रहते हैं, या कुछ मेरे फ्रेंड उसको क्रॉप कर कर सीधा करते हैं, जैसे डाबरमैन पिंचर या और ब्रीड हैं जर्मन शेफर्ड जिनके वैसे ही कान खड़े रहते हैं। इनमें क्या है, बारिश का पानी या नहलाते समय हमसे चूक जाने अनजाने उसके पानी जब कानों में चला जाता है या इसके अलावा कोई और चीज़ जाती है, तब वो उनको परेशानी होती है।
तो हमारा वीडियो है डॉग क्लीन एयर्स के ऊपर कि हाउ टू क्लीन आई डॉग माई डॉग एयर्स। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वहाँ पर जो चीज़ सिंपल आपको कैसे क्लीन करना है वो बताया गया है वीडियोस में। वो क्या चीज़ उसमें जो कोई दवाई वगैरह सिंपल सा है, एक तो लाइक पानी टाइप है जो डॉग को पहले साफ करना होता है, फिर उसके बाद एक सिंपल सी एक हार्ड लिक्विड दवाई होती है वो डालनी होती है। बट आप बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, सो सिंपल ये मेथड है डॉग के कान साफ करने का। जरूरी नहीं है ये उन्हीं ब्रीडों के ऊपर या यूज करने जब डॉग को परेशानी हो। आप वैसे भी महीने में एक बार डॉग के कान साफ कर सकते हो, चाहे वो आपके पास लेब्राडोर हो, क्योंकि इनके कानों से भी बदबू आने लगती है अगर आप साफ नहीं करते। वो एक खाली 5 मिनट का समय आपका सिर्फ लगेगा उसमें। आप वीडियो जरूर देखिए हमारे ऐप में। अजयमान ग्रेडन फैमिली के लिए कैसा है और प्राइस सर? ग्रेडन एक ऐसी ब्रीड है जो माय फ्रेंड कुछ 30,000 के आसपास से शुरू होती है बढ़िया क्वालिटी में। और ग्रेडन अगर हार्ले क्वीन अगर चाहिए तो वो शायद 10-15 और महंगी हो स्टार्ट। बट बाई बात यह है कि ये डॉग एक बड़ा डॉग है। ऑब्वियसली बड़े घरों में मैं बार बार कहूंगा कि इसको छोटे घर में रखोगे तो बेचारे को जेल की तरह महसूस होगी वो चीज़। बड़े घरों में रखिए बड़ा डॉग, तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा उसके लिए, लाइफ लंबी होगी, अग्रेसिव नहीं होगा। वैसे आप डॉग को जैसा बनाओगे, अगर आप अच्छा फैमिली डॉग बना सकते हो तो आप पिटबुल को भी अच्छा रख सकते हो। अदरवाइज तो जो पग ब्रीड है वो भी लोगों को काटती है। डिपेंड है आप पर, आप कैसा बनाते हो, लेकिन फिर भी कम से कम एक जो ब्रीड 30-40 किलो की, 50 किलो की या इससे ऊपर जाने वाली है, उसके लिए अगर बड़ा घर होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़ा लॉट होना चाहिए जिसमें वो टोटल अपना एक एक्सरसाइज कर पाए जो उसको डेली रूटीन में चाहिए। आलमजीत सिंह, हाय सर, पिटबुल पप्पी है, 10 वीक का वेट, 5.5 kg है, बोन बिल्डर और मल्टी विटामिन पेस्ट लेकर आया हूँ बीफर कंपनी का, दिन में कितनी बार देना चाहिए? 10 माह क्या है एज बताई? 10 वीक्स, 10 वीक्स में 5.5 kg। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं माय फ्रेंड, थोड़ा पीछे चल रहे हैं। मल्टीविटामिन अपना काम करेगा, पेस्ट तो आप थोड़ी थोड़ी सुबह शाम उसको खाने के ऊपर दे सकते हो लगाकर। मेन बात है बोन बिल्डर की, उसमें एक स्कूप होता है, तो वो स्कूप आप खाने में आधा सुबह आधा शाम से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से बढ़ाइए। लेकिन ये सब चीज़ें हेल्प तो करेंगी, लेकिन इसमें ज़्यादा जो बिग रोल प्ले होगा वो होगा डॉग फीड का। अगर आप स्टार्टर फीड उसको भर पेट प्रॉपर डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से दे रहे हो तो हमें रिजल्ट होने के ज़्यादा बढ़िया चांसेस हैं, क्योंकि मेल है ना ये। हाँ, हमारा टास्क ये होता है कि 12 हफ्तों के आसपास, 13वें हफ्ते में आसपास हमारा डॉग कुछ 10 kg के आसपास हो जाए, चलो 14वें में हो जाए, लेकिन हम 10 10 हफ्ते ऑलमोस्ट होने को हैं और हम आधे वेट में खड़े हैं। तो मल्टी विटामिन कैल्शियम अपना काम जरूर करेगा, बोन बिल्डर भी अपना काम जरूर करेगा, लेकिन द बिग यहाँ पर जो एक मेन सेंटर है ना, जो सेंटर पॉइंट है इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द, वो मेन है डॉग फीड। वो आपको बढ़िया देनी होगी, अच्छी कंपनी का स्टार्टर फीड दीजिए जो भी वो खा रहा है, और डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से दीजिए। ये ना हो कि वो 3 कप फीड खाना चाहता हो या खान डाइजेस्ट कर सकता हो और हम उसको सिर्फ 1 कप दे रहे हैं, उससे भी डॉग की ग्रोथ रुकती है। हर्ष सिंह पनवर, हाय सर, आई हैव केशियन शेफर्ड, 100 cm एंड वेट 115 kg एंड 11 month old, इज इट ओके? आई एम फ्रॉम कैनेडा। इज गोइंग टू वेरी वेरी रॉकिंग ये माई फ्रेंड, आपका डॉग तो बहुत बढ़िया जा रहा है। बट क्योंकि वहाँ का एटमोसफेयर उसको सूट करता है, वहाँ डॉग फीड्स उसको सूट कर रही हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर डॉग का बॉडी वेट मोर देन 100 चला गया है तो प्लीज़ जो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है माई फ्रेंड, प्लीज़ कीप गिविंग द कैल्शियम। वहाँ पर जो भी कंपनी अच्छी कंपनी है वो प्रॉपर डोज के हिसाब से दीजिए, क्योंकि इन इन ब्रीडों को आगे जाकर फ्यूचर में बहुत सारे मैं कुछ ऐसे नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन अगर हम डॉग को प्रॉपर कैल्शियम देते रहेंगे तो वो बीमारियों से, वो प्रॉब्लम से हमारा डॉग बचा रहेगा। तो प्लीज माय फ्रेंड, मल्टीविटामिन अलग है लेकिन कैल्शियम इसको जरूर बॉडी वेट के हिसाब से ही दीजिए। मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि आपका डॉग कितना बढ़िया होगा। और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो उसमें एक दोस्त की फोटो जरूर सेंड कीजिए। आईफोन एंड्रॉइड फोन दोनों पर हमारी ऐप बोला शोला के नाम से अवेलेबल है माय फ्रेंड। हर्ष सिंह पनवर, हाय सर, आई हो गया सॉरी,
मयंक यादव सर, लैब मेल है 7 मंथ का, उसे दिन में कितने टाइम फीड करूं? हाँ सर, वैसे तो दिन छोटे चल रहे हैं, कुछ डॉग 3 टाइम ही लेना पसंद करते हैं, तो आप 3 टाइम ही दीजिए। अमित जायसवाल सर, आजकल हस्की डॉग का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? हाँ, ये क्वेश्चन देखो सर, ये जो हस्की है ना, आजकल में आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी में और बहुत बढ़िया और मिलेंगे, रिसेंटली एक्सपोर्ट भी मिलेंगे आपको। हस्की का प्राइस वैसे कभी कम तो हुआ नहीं, वैसे ही वो अगर मेल की बात करो तो वो बढ़िया, अगर आपको लेना है तो 30 के आसपास, 20-30 के आसपास से मेल, और फीमेल यही कुछ 30 के आसपास से स्टार्ट होती है। तो हस्की से विंटर में ज़्यादा पसंद ही करने वाली ब्रीड है, जैसे कि डबल कोट जर्मन शेफर्ड, बढ़िया अच्छे फर वाला सेंट बर्नार्ड, ये आजकल थोड़े महंगे हो जाते हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। साईराम विक्की, हाय सर, माय रॉटवाइलर इज 10 मंथ ओल्ड, 30 kg है एंड ही इज गोइंग गेनिंग वेट फ्रॉम 2 मंथ्स, एंड व्हाट टू डू सर? देखो, जब डॉग का वेट रुक जाए किसी कारणवश, तो उसका एक सबसे बड़ा होता है, हमें सादा हमारा माथा खटकना चाहिए कि डिवॉर्मिंग, कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैं दो डाइट, अगर आप डाइट सेम दे रहे हो तो खास, ये तो बेस्ट टाइम है डॉग की ग्रोथ का, क्यों नहीं हो रहा? जहाँ तो इसकी डिवॉर्मिंग को ज़्यादा समय हो गया है, वो दूसरा हो सकता है बिग रोल इसका, बिग कि डॉग का कहीं डाइट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, जहाँ उसकी, क्योंकि सर्दियों में डॉग ज़्यादा खाते हैं, तो कभी कभी हम वो थोड़ा गर्मियों के हिसाब से ही खाना देते हैं, तो ये चीज़ जरूर है। बट बिग इसमें होगा कि आप उसको एक बार डिवॉर्म दोबारा कीजिए, और हो सके तो आप डॉग फीड चेंज या थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा कर देखिए। वेदांत पांडे सर, बॉडी गेनर के बेनिफिट बताओ एंड कितनी जल्दी इफेक्ट देखेगा? ये हर, देखो जब भी माय फ्रेंड, कभी भी आप डिवॉर्मर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, बॉडी गेनर, इन सब चीज़ों की अगर बात करते हो, तो कभी भी आपको दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं बता सकता कि बस ये आप चूज करो और इस एज में आपको इतना रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ कभी फिक्स नहीं होती। बहुत सारी कंपनियां बॉडी गेनर बनाती हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, कौन सा सॉल्ट फॉर्मुलेशन आपके डॉग को सूट करता है। अगर आप हमारे बॉडी गेनर की बात कर रहे हो, तो उसमें जो डोज है ना, मेन कभी भी हो जाता है कि आपके डॉग को ये चीज़ सूट कर गई, चाहे मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम हो, चाहे बॉडी गेनर हो, सूट कर गई, क्या आप वो डोज प्रॉपर दे रहे हैं उसको, ये भी चीज़ होती है। तीसरा होता है पेट के कीड़े। देखो, डॉग की ग्रोथ को क्या चीज़ें रोकती हैं, पेट के कीड़े, वो डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ग्रोथ को रोकती है, क्या हम प्रॉपर उसको डाइट दे रहे हैं जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से, जितनी फैट प्रोटीन की उसको ज़रूरत है, ये ना हो कि हमें डॉग को मोटा करना है और हमें चाहिए कुछ ज़्यादा फैट प्रोटीन, और हम उल्टा उसको दे रहे हैं 8-10-5 फैट प्रोटीन वाली फीड, तो उसमें भी वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो बॉडी गेनर का काम एक सपोर्टिव, जरूर बॉडी गेनर या वो उसके लिए आप कह लो कि हेल्थ का, लेकिन उसका जो मेन नी है ना, दीवार की मेन नी जो है फाउंडेशन, वो उस पर डिपेंड है कि डिवॉर्मिंग कैसे है, पेट उसका साफ है बिल्कुल, उसके बाद हम डाइट उसको कैसी दे रहे हैं, देन फिर बॉडी गेनर अपना रिजल्ट दिखाएगा। अभिषेक शर्मा सर, गुड इवनिंग। अमेरिकन अकीता को पप्पी कौन सी एज तक कंसीडर करना चाहिए, 12 मंथ तक या 18 तक? हाँ सर, 1 साल के बाद जब डॉग अडल्ट हो जाए, मोस्टली मेरे फ्रेंड जो हैं वो 12वें, 14वें, 16वें महीने मेटिंग करवा देते हैं, डिपेंड है बाकी डॉग का बॉडी वेट भी क्या है। कभी कभी डॉग 18 महीने तक भी अंडर वेट रहता है, तो उसमें आप मेटिंग नहीं करवा सकते, और कभी कभी डॉग 12वें या 14वें महीने एक बिल्कुल हेल्थी और जितना उसको बॉडी वेट होना चाहिए उससे 2 किलो आगे ही होता है, तब आप मीटिंग करवा सकते हो। तो इसमें एज भी इम्पॉर्टेंट है और डॉग की हेल्थ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना। आशीष सुमाता, हाय, मैं फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हूँ, तो मैं जर्मन शेफर्ड एंड पग में से कौन सी डॉग लूँ? देखो, ये दोनों ब्रीडें फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर की पहली पसंद हमेशा रही हैं, लेकिन इन दोनों के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा, पग एक अच्छा फैमिली डॉग है, भौंकता नहीं है, लेस बार्किंग डॉग है, वो बात अलग है कि मेरे घर में जो पग है वो बहुत भौंकती है, लेकिन ये लेस बार्किंग डॉग होते हैं। जर्मन शेफर्ड इज वेरी वेरी गुड वॉच डॉग, वेरी गुड गार्ड डॉग। तो आप यहाँ रह रहे हो, अगर आपके वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न आपके बैक ऑफ माइंड
में थोड़ा सा भी है तो गो विद जर्मन शेफर्ड, क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है जो छोटे घर में भी एडजस्ट कर लेता है। और पग, अगर आप भगवान करे कि आपके वहां सिक्योरिटी इशू कोई ना हो, पूरी दुनिया में कहीं नहीं सिक्योरिटी इशू होना चाहिए, तो तब आप पग ले सकते हो। नवचाहल प्राइस ऑफ अमेरिकन बुली। इसका प्राइस बहुत मुश्किल है नवचाल सर बताना, क्योंकि डिपेंड क्वालिटी, डिपेंड कलर, डिपेंड बॉडी साइज कि आपको स्टैंडर्ड एक्सेल में क्या क्या चाहिए, और डिपेंड आपको फिर हैवी बोन या लो बोन चाहिए। तो हमारा नंबर जो नीचे दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आईवीआर नंबर है। अभी तो कॉल बंद होगी क्योंकि 5 बजे से लेकर ये 10 बजे, सुबह 10 बजे तक बंद रहता है। आप दिन में कॉल कभी भी कर सकते हो, खाली लंच टाइम छोड़कर, देखिए लंच टाइम में हमारी टीम कॉल उठा ही लेती है। हाँ, व्हाट्सएप पर आप मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको इधर से फोटो वगैरह आपके जो भी एक आइडियल बजट है कि मैं इतना एक्सपेंड इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उस हिसाब से मैं आपको फोटो दे देंगे। आदित्य जोन सर, व्हाई पीपल आर सेइंग दैट यू आर फ्रॉड? सर बहुत मुश्किल है हर हर एक को बता पाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो मैं हमारे एक फ्रेंड ही हैं, हम हमारे साथ पहले इकट्ठे काम करते थे, उनसे कुछ पैसे लेने हैं हमने, कुछ 2-2.5 लाख। तो आप जब किसी से पैसे मांगते हो ना, तो आप फ्रॉड बन जाते हो, तो आप कभी भी किसी से उधार मत करना भाई। अगर आप पैसे मांगोगे तो वो उल्टा लड़ाई का घर हो जाता है। मेरे मेरे एक फ्रेंड है, वो उसने मुझे बहुत मजेदार बात की कि भाई अगर आपको किसी से लड़ाई मोल लेनी है, झगड़ा मोल लेना है ना, आप उसको पैसे दे दो उधार या सामान दे दो, बस आपको ऑटोमेटिक उससे लड़ाई हो गई, छुटकारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पर मानकिंग रॉटवाइलर हैवी हेड वाला पप्पी कितने का आवेगा? रॉटवेलर अगर हैवी हेड में, बड़े हेड वाला, छोटी मजल वाला, ये कुछ ऐसी जो बढ़िया हैवी बोन बच्चे होते हैं ना, ये हमेशा माई फ्रेंड 15, 18, 20 से शुरू होते हैं, और रॉटवाइलर ब्रीड ऐसी है जो कि लाखों तक जाती है। बंटी सर, मेरे पास 10 मंथ का जर्मन शेफर्ड फीमेल है, वो अभी तक हीट में नहीं आई है। कैल्शियम मल्टीविटामिन एंड डॉग फीड भी चालू है। सर एक तो आप डिवॉर्मिंग कर कर उसको थोड़ा सा, अगर आपके घर में नॉन वेज अलाउड है, क्योंकि आजकल दिस इज द बेस्ट टाइम डॉग हीट में आना चाहिए, तो उबला हुआ अंडा ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले डिवॉर्मिंग जरूर करना, पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए, फिर उसके बाद आप उबला हुआ अंडा ट्राई कर सकते हो। मल्टीविटामिन तो आप दे रहे हो, थोड़ा बहुत गर्म तासीर का कोई खाना अगर आपके घर में होम रेमेडी है, तो वो 2-4 चीज़ें, जैसे आजकल मेरे कुछ फ्रेंड हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स, वो ट्राई उन्होंने 1-2 दे दिए, बादाम, छुआरे 1-2 दे दिए, हफ्ते में या 10 दिन के बाद 1-2 खिला दिए, ऐसी चीज़ें भी काम करती हैं। लेकिन मैं तो पहले ये कहूँगा डिवॉर्मिंग कीजिए, फिर उसके बाद आप मल्टीविटामिन तो दे ही रहे हो, शायद डिवॉर्मिंग से ही हमारा काम बन जाए। भरत कुमार, हेलो सर, क्या हाल है आपके? सर मेरा रॉट 1 ईयर का, उसके साथ एक छोटी फीमेल रख सकता हूँ? बिल्कुल, देखो जब भी आपके घर में बड़ा डॉग हो, उसके साथ में छोटा डॉग रखना हो, तो थोड़ा सा आपके लिए पहले 2-4 दिन थोड़ी या हफ्ता मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेगा, थोड़ा आप पर भी डिपेंड करता है ये चीज़ें, क्योंकि दो थोड़े दिन उन दोनों को अलग अलग दूर दूर रखना पड़ता है, फिर दोनों को अपने जब भी आपने इकट्ठे खेलने छोड़ना है या मिलने देना है, तो आपकी प्रेजेंट वहाँ होनी चाहिए, ये एक मेन रोल है। तो बट हाँ, थोड़ा हमारा जो बड़ा डॉग है वो गुस्सा भी करेगा आपसे, जेलोसी भी करेगा, ये मेरे एक फ्रेंड हैं, इनका कुछ ही दिन में ये एक्सपीरियंस हो चुका है। बट कितने दिन लगे उनको फ्रेंड बनने में? 2-4 2-4 दिन लगते हैं। हम जो भी बताते हैं ना आपको, वो हम आप पहले खुद एक्सपेरिमेंट करते, फिर आपको बताते हैं कि भाई ये चीज का रिजल्ट ऐसा है। संतोष, हाय सर जी, मेरे मेरे पिटबुल को कितनी क्वांटिटी में डॉग फूड देना चाहिए? उसकी एज 8 मंथ है। देखो ये जो ना डाइजेस्टिबिलिटी है माय फ्रेंड, ये डाइजेस्टिबिलिटी बहुत मुश्किल है बता पाना कि किस है, बट आप जिस भी कंपनी का डॉग फीड ले रहे हो उसके पीछे एक अंदाजन लिखा हुआ होता है। और दूसरा क्या है कि मैं आपको क्यों नहीं प्रॉपर बता पा रहा, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ फैट, कुछ जो फीड आती हैं जिसमें 8% या 10% फैट होती है, प्रोटीन होती है कुछ 12-15, राइट, और कुछ डॉग फीड आती हैं जिसमें 22% फैट होती है और 32% प्रोटीन होती है। मान लो एक हो गई चौपाती, सिंपल चौपाती पतली सी, एक हो गई आलू का परांठा, वो भी अच्छी तरह भरकर घी लगाकर उसके ऊपर। तो अगर कोई कहेगा कि एक बंदा चौपातियां कितनी खाएगा और आलू के पराठे कितने खाएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि
अगर 8 चपातियों के हिसाब से 2 आलू के पराठे ही बहुत बड़े बंदे को वो क्या हो जाता है ना, बाद में लगा बंदा पोज हो जाता है कि यार मुझे भी आराम कर रहा है। तो ऐसा होता है डॉग में भी, ये जो फैट प्रोटीन होता है इसी के ऊपर आधारित होती है कि किस डॉग को कितनी फीड देनी है। और मैं बार बार क्यों कहता रहता हूँ कि आप कभी भी किसी के ऊपर मत जाइए कि उसका डॉग इतना खा रहा है या इसका भाई इतना खा रहा है। नो, आपके डॉग का डाइजेस्टिबिलिटी सिस्टम पर क्या है। मेरे फार्म में डॉग है, मैं हर एक को एक जैसी फीड नहीं देता, मुझे मालूम है ये कितना खाएगा, चाहे सेम ब्रीड हो। तो प्लीज अगर आप 2-3 दिन डॉग को फीड दोगे, 2 बार दोगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये एक कटोरी खा रहा है या 2 कटोरी खा रहा है। दीपक नूर पाजी, मेरे पास 2 जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग हैं, मैंने सेल करनी है, प्लीज हेल्प मी। सर देखो हमारा अभी सेल में तो ज़्यादा नहीं है, मैं फिर भी कह सकता, लेकिन हमारी जो टीम है आप इनको फोटो डाल सकते हो और बाकी इनसे बात कर लीजिए भी कितने में सेल करनी क्या करनी, ये आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ये नंबर है नीचे दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, उस पर फोटो सेंड कर सकते हो। IVR नंबर जो हमेशा 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। सिद्धार्थ जवेलकर, सर मेरे सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पास ग्रे हॉन्ड है 16 मंथ का, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, क्या करें? सर देखो एक ग्रे हॉर्न 16 मंथ में तो ऑलमोस्ट अडल्ट है, अडल्ट ही कह लो। तो डॉग का बेस्ट टाइम होता है ग्रोथ करने का यही कुछ 1-2 महीने से लेकर कुछ 15-18 महीने तक। तो अगर ये बेस्ट टाइम में हमें क्या चूक हो गई, क्या प्रॉपर उसको कैल्शियम नहीं हम दे पाए, मल्टीविटामिन नहीं दे पाए, डॉग फीड नहीं दे पाए, या प्रॉपर उसको वर्किंग एक्सरसाइज नहीं करवा पाए, तो अभी मुझे इन सब चीज़ों तो समय निकल गया, अभी हम उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा कि यहाँ से आपने लिया था, इसके मदर फादर कैसे हैं, अभी क्या बेस्ट टाइम है, आप मल्टीविटामिन कैल्शियम इसको स्टार्ट कर कर देखिए, राइट। डॉग फीड दीजिए, हमें चाहे रिजल्ट थोड़ा स्लो मिले, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है रिजल्ट हासिल करने का डॉग का यही कुछ 12-15-18 महीने तक। उसके बाद ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आता, आता है, लेकिन वो है कि थोड़ा स्लो आता है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। समीर विश्वास, सर फर्स्ट बात कितने दिन बाद देनी चाहिए? अगर आप दिसंबर या जनवरी महीने में ये क्वेश्चन पूछोगे तो मेरा सवाल का आपके सवाल का जवाब होगा 90 या 100 दिन के बाद। 90 दिन तो कम से कम मान कर चलो, वो पानी वाले बात की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ड्राई बात इस तरह के जेल वाले, जैसे आप शेविंग क्रीम नहीं होती, इस तरह के ड्राई शैम्पू आते हैं स्पेशल डॉग वाले, उसमें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, वो डॉग की बॉडी के ऊपर लगाइए, यू रब कीजिए, वो एक झाग सी बन जाएगी, फिर आप ब्रश के साथ उसको साफ कर दीजिए और हेयर ड्रायर के साथ डॉग को सुखा दीजिए। वैसे अगर हेयर ड्रायर नहीं है तो टॉवल के साथ भी वो सूख जाएगा। हमारा वीडियो है ऑलरेडी ड्राई बाथ के ऊपर, आप प्लीज वॉच कीजिए, 8 मिनट का वीडियो है, डिटेल में इंफॉर्मेशन है। ममता देवी, मीडियम कोट जर्मन शेफर्ड पप्पी, हेयर लेंथ। मीडियम कोट में देखो, एक तो मीडियम कोट समझना, पंजाब के अगर मीडियम कोट की बात करूंगा तो उसका लगभग 2 इंच के आसपास, 1.5-2 इंच के आसपास बाल होंगे ही होंगे। लेकिन क्या होता है कि मैं खुद कब हमारी टीम को ऐप में हर जगह मैसेज आता है, अगर यूपी बिहार या कभी एमपी या कभी कभी केरला, वो कह देते हैं बच्चा डबल कोट है, वो 1 इंच जो जो हमारे यहाँ पंजाब में जिसको मीडियम कोट कहा जाता है उनको वो वहाँ डबल कोट कहते हैं, और जो यहाँ का डबल कोट है वो उसको शायद वहाँ ट्रिपल कोट कहते होंगे। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि हर स्टेट में एक अलग अलग अपना मापदंड तय किया हुआ है कि ये सिंगल बोन है, ये डबल बोन है, जहाँ ये सिंगल कोट है, ये डबल कोट है। तो मैं फिर भी कहूँगा अगर पंजाब के हिसाब से मीडियम 1.5-2 इंच के लंबे बाल होते ही होते हैं। अगर आपने हमारी रिसेंट वाली वीडियो देखी है जिसमें मेरा डॉग है बूजो, आपने देखा होगा, ट्रेनिंग वाली नहीं, उससे पहले वाली एक वीडियो, हम अपनी जो न्यू ईयर का डे था हम अपने पेट के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, फन कर रहे थे, उसमें अगर आप बूजो देखोगे, बूजो लॉन्ग कोटेड है, उसके लगभग 3 इंच लंबे बाल हैं, राइट। बहुत सारे लोग शायद उसको डबल कोट भी कह दें, बट नहीं, वो लॉन्ग के आसपास है, लॉन्ग मीडियम कह लो। लेकिन उसमें साथ में एक दूसरा डॉग है वो सिंगल कोटेड है, उसको कुछ लोग मीडियम भी कह देते हैं। तो ये हर एक स्टेट में एक अलग अलग रूल्स रेगुलेशन या एक मापने का तरीका या बोलने का तरीका है। नाजिर थापा, लैब्राडोर फीमेल 45 डेज को हेल्थी और प्लेफुल करने के टिप्स। हाँ, लेब्राडोर को बहुत
जरूरी है प्लेफुल करना। देखो हेल्थी रखने के लिए 4 टाइम खाना दीजिए उसके डाइजेसिबिलिटी के हिसाब से, टॉयज लाइए उसके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उसके, खिलाइए कोई ऐसी टॉयज हो जो मूवमेंट वाले हो, ये ना हो कि वो खाकर सो जाए, ये तो फिर वो एक्चुअल ऐसा ही हो जाएगा। तो ये मोन इंपॉर्टेंट है, ओवर फीडिंग मत करवाइए माई फ्रेंड। अगर आपको लगे कि थोड़ा पेट में गैस बन रही है तो डाइजेस्टिबिलिटी की दवाई साथ में दे सकते हो, बाहर वॉक लेक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो अभी आपको सबसे जरूरी काम करना है वो है वैक्सीनेशन, वो जरूर करवाइए उसको। देवेंद्र सिंह सर, क्या पंजाब में पिटबुल रखने वालों को जेल जाना होगा? ऐसा तो नहीं मैं कह सकता सर, हाँ इतना जरूर है कि पिटबुल के ऊपर बैन है, उसके ऊपर जुर्माना है, अगर आई डोंट नो कि उसके ऊपर कोई केस फाइल होगा या जेल जाने का, ऐसा मैंने अभी सुनने में या पढ़ने में तो कुछ नहीं आया मैं फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कुछ भी। सुमित नायर, हाय सर, मेरा डॉग 4 मंथ का है, उसकी डीवॉर्मिंग मैंने पिछले मंथ 25 डेज को की थी टेबलेट के साथ, अब सर कब करूं डीवॉर्मिंग? अगर आपको डॉग को लगता है ज़रूरत है तो अगर 25 तारीख है, आज लगभग 14 हो गई तो 20 दिन हो गए हैं, आप दोबारा कर सकते हो। अगर आपको लगा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऊट पटांग नहीं खा रहा, घास फूस नहीं खा रहा, कंकर पत्थर या दीवार नहीं चाट रहा, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सौरभ सर, मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है पर हेल्थ नहीं बढ़ रही। एक जो जो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड्स होती है ना माई फ्रेंड, गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड्स जो होती हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जर्मन शेफर्ड की तरह एक फिट डॉग होते हैं। इनका इनका जो एक होता है ना वाव या ब्यूटी, वो इनके बाल होते हैं, अच्छे लंबे घने सीधे बिल्कुल टैंगल फ्री, जिसके लिए हमने वो ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो बालों के शाइनिंग को ख़राब करे, नमक मिर्च मसाला मीठा दूध आदि नहीं देना है। उसके बाद आप डॉग को प्रॉपर ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोगे, कंघी करोगे दिन में एक बार, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप इनको नहलाते हो ना, अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है, पमरेनियम की तरह बाल बस बालों बालों का ही वो रौला रप्पा सा होता है। तो बट फिर भी ये नहीं कि अंडरवेट है, अगर आप कुछ बॉडी वेट लिख देते हैं तो मैं आपको काफ़ी हेल्प करता, लेकिन डॉग को फिर भी खड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए डॉग फीड ज़रूरी है, और मल्टीविटामिन कैल्शियम और पेट के कीड़ों की दवाई टाइम टू टाइम देना बहुत ज़रूरी है। भरत, हाय बिग फैन सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, हमारे सिटी में समर में टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस चला जाता है सर, क्या मैं इतनी गर्मी में टॉय पॉम या कल्चर पॉम रख सकता हूँ, क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगी, आप रख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ मैं बैठा हूँ आदमपुर में, अगर यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री या 1 डिग्री चला जाता है सर्दियों में, तो आदमपुर का टेम्परेचर भी 45 या 42 या 40 चला जाता है, राइट है ना? तो ऐसा नहीं है, मेरे मेरे फार्म में भी मिनी पॉम कल्चर पॉम मिनी पॉम आपने देखा होगा, पोमरेनियम भी देखा होगा। बस इतना होता है कि सर्दियों में उनको अलग तरह का खान पान, अलग तरह के जगह रखा जाता है, और गर्मियों में उनका खान पान थोड़ा चेंज किया जाता है, और कूलर पंखा एसी वगैरह दिया जाना चाहिए, वैसे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। पबजी गेमर चैनल सर, कैल्शियम और मल्टीविटामिन रॉटवाइलर पपी को कब से देना चाहिए? जैसे ही पहला वैक्सीनेशन लगे, अगर आप 40, 45 या 50 दिन पर पहला वैक्सीनेशन करवाते हो, डॉक्टर साहब उसी समय आपको मल्टीविटामिन कैल्शियम, लीवर टॉनिक की अगर जरूरत पड़ती है या कोई और चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो आपको साथ ही बता देंगे कि ये चीज़ देनी चाहिए इतनी इतनी डोज में। सुदम कुमार मिश्रा सर, मेरे पास एक जर्मन स्पिट्ज है, वो सूखा वाला ड्रूल्स का खा लेती है बट गर्म पानी में कुछ टाइम ड्रूल्स देने से फूड नहीं खाती है। देखो सर, जो डॉग का ना तरीका होता है खाने का, पानी के साथ मिक्स कर कर या दही के साथ मिक्स कर कर या लस्सी जिसका मट्ठा छाछ भात बोलते हो उसमें मिक्स कर कर, ये चौक का मौसम के हिसाब से ये टेस्ट मूड कुछ भी आप कह लो चेंज होता है। मेरे खुद फार्म में क्या हो रहा है, जो मेरे डॉग दही के साथ पानी के साथ या लस्सी के साथ बड़े मज़े से खा रहे थे आज से 2-3 महीने पहले, अभी वो सूखा फीड खा रहे हैं, जहाँ उसमें मैं बॉयल एग डालता हूँ, जहाँ फिर मैं उसमें नॉन वेज चिकन वगैरह उबला हुआ डालता हूँ, वो चीज़ खाते हैं। लेकिन बट थोड़ा मौसम, जैसे सर आज से 2-3 महीने पहले मेरे किचन में कुछ और पकता था और अभी कुछ और पकता है, ऐसे डॉग का भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, ये दिस इज नॉर्मल। ब्रिज माफिया सर, मैं लैब ले रहा हूँ। लैब बहुत अच्छा, एक फैमिली डॉग है, लेकिन उसको आप वॉच डॉग ज़रूर बनाना, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ। बाकी हमारे वीडियोज़ हैं व्हाई माय डॉग इज़ नॉट बार्किंग, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर लैब एक अच्छा मार्किंग वाला डॉग है तो अच्छा
बार्किंग वाला डॉग है तो बा कहना है क्या। राहुल, चार पिटबुल डॉग की फुल हाइट कितने दिन में बढ़ती है सर? सर ये डॉग जब तक अडल्ट, अगर आप हमारी तरफ से पूरी उसको सपोर्ट होती है, सपोर्ट में मल्टी विटामिन, कैल्शियम, डॉग फीड, समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाई, जरूरत के हिसाब से, तो हमारा डॉग लगभग 12 से 15 महीने, 18 महीने तक ग्रोथ करता है। शशांक, आई वांट अ पपी फ्री। बिल्कुल, हमारे अगर आपके पास, आपने हमारी ऐप नहीं डाउनलोड की, बोला शोला की ऐप को डाउनलोड कीजिए माय फ्रेंड, और उसमें आप फ्री डॉग सेक्शन के नाम से एक अलग से सेक्शन है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो अपना डॉग किसी कारणवश कंटिन्यूस नहीं रख पा रहे हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड हर एज में अलग अलग तरह के ब्रीड के डॉग फ्री में डोनेट करते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। विकास पाल, पिटबुल मेल, एज 8 मंथ, वेट 24 kg है, हाइट 21 इंच, क्या सही जा रहा है? बहुत बढ़िया जा रहा है। विकास थापा सर, हम कब पहले बार मीटिंग कर सकते हैं फीमेल डॉग की? आज जैसे डॉग की एज अडल्ट होती है 12 13 14 महीने, बाकी एंड नलायक ऑफ द डे ये सवाल का जवाब बाउंडर पहले मैं डिटेल में दे चुका हूँ कि डॉग का हेल्थ देखना बहुत जरूरी है, बॉडी वेट देखना बहुत जरूरी है। नलायक लौंडे सर, मुझे लैब्राडोर लेना है। लेबराडोर मिल जाएगा सर, इस समय नॉर्मल उसका प्राइस कुछ 10-12 के आसपास चल रहा है, लेकिन कुछ बढ़िया क्वालिटी के 15-18 के आसपास भी प्राइस चला जाता है। ब्लैक किंग सर, अमेरिकन बुली पॉकेट साइज को फाइट में ले जा सकते हैं क्या? सर मैं ये फाइट के बारे में नहीं मालूम, ये ABC मुझे नहीं आती, मैं सॉरी इसके बारे में आपको नहीं कुछ बता पाऊंगा। स्प्लैश गेमिंग वाइटी सर, मुझे लेब्रा लेना है आपका। आप कहाँ रहते हो? मैं जलंधर पंजाब में रहता हूँ, लेकिन हम इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हर ब्रीड डिलीवर करते हैं, बस आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना एक मैसेज छोड़ना है। हमारा IVR सिस्टम 5 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑन रहता है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको इधर से रिप्लाई करेंगे सुबह मॉर्निंग जैसे ही हमारा IVR सिस्टम ऑन होगा। रोहित, हाय सर, माय पग पपी डे 95 एट 4.2 kg। बिल्कुल नाइस गोइंग सर, नॉट अ बैड। आकाश सरकार, क्या वुल्फ डॉग फैमिली के लिए अच्छा है? कुछ लोग नहीं मानते अच्छा है, कुछ लोग मानते हैं अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा तो उनकी दो तीन चीज़ें हैं, एक तो वो अगर आप उसको प्रॉपर नहीं केयर करोगे वो घर से भाग जाते हैं, दूसरा वो जो आउलिंग करते हैं वो हमारे जो घर में सीनियर सिटीजन है उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, बाकी एंड ऑफ द डे हमारे पर ही है हम कैसे उनको टेक केयर कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। कुछ जगह तो पग या पोमरेनियम ब्रीड ने इतनी अपने घर में पूरे में बॉस बना बैठा हुआ है घर का, और कुछ जगह डेंजर से डेंजर ब्रीड भी, एक आप बिलीव नहीं करोगे, वो घर में एक अच्छा वर्किंग डॉग की तरह काम करते हैं। पेट ट्रेनर, आई एम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, कैन आई टेक लैब्राडोर? यस, लेब्राडोर पहली पसंद हमेशा होती है, लेकिन ये फैमिली डॉग है, लेस बार्किंग डॉग है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कोई, आपको लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न कंसर्न या इश्यूज है, भगवान ना करे वैसे ऐसा हो, अगर है तो यू गो विद जर्मन शेफर्ड, बीगल, ऐसी ब्रीडें भी अवेलेबल है। आर्यन शर्मा सर, डबरमैन या रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम ओनर फॉर गार्डिंग? इस समय अगर मैं माहौल के हिसाब से कहूँ तो गो विद रॉटवाइलर, क्योंकि वो ट्रेंड में है आजकल। रितेश, हेलो, सिम्बा माई जेड ब्लैक जर्मन शेफर्ड रजिस्टर्ड विद यू सर, हिज एज इज नाउ 13 मंथ, कैल्शियम विटामिन अपना बॉडी गेनर लिवर टॉनिक एंड स्किन कोट कब तक शुरू रखना है? देखो मल्टी विटामिन कैल्शियम तो जितना कंटिन्यूस कर रखोगे वो ज़्यादा बेटर है, बॉडी गेनर वेट के हिसाब से कि आपको लग रहा है कि आप सफिशेंट हो, आपको सेटिस्फाई हो कि अभी डॉग का मेरा कितना ग्रोथ हुआ है, बॉडी वेट के से खुश हो, तो आप स्टॉप कर सकते हो। बाकी रही बात ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड की, ये रोक सकते हो आप, लेकिन जैसे ही जब उससे देखो साल में 2 बार डॉग का हेयर फॉल होगा, तो जब दोबारा हेयर फॉल होगा तो आप तब स्टार्ट कर देना। अभिषेक राय सर, जर्मन शेफर्ड का टाई राउंड है, स्ट्रेट कैसे होगा? जर्मन शेफर्ड का, थाई राउंड है, स्ट्रेट कैसे होगा? मैं ये बात नहीं समझ रहा, क्या नाम है सर का?
अभिषेक राय। अभिषेक राय सर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर सॉरी, पहले तो मैं नहीं आपका पॉइंट नहीं वो सवाल नहीं पकड़ पाया। आपके पास हमारी ऐप तो होगी, आप प्लीज सर वहां पर ये फोटो सेंड कीजिए क्या चीज में आप बात कर रहे हो, और साथ में वॉइस मैसेज रिप्लाई कीजिए, सेंड कीजिए, हम इधर से जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करते हैं। मंगत जगनूर, बॉडी एक्स, डॉग प्राइस। ये डिपेंड है सर उसकी क्वालिटी के ऊपर कैसा चाहते हो। ये कुछ 30,000 के आसपास से शुरू होने वाली ब्रीड है और ये 60-70-1 लाख ऐसे चली जाती है। घनश्याम चौधरी, सर मेरा एक लैब है, उसका 3 मंथ 13 डे हुए हैं, उसका वेट 9 kg है, सर इसका वेट ठीक है या नहीं? यदि ठीक है प्लीज क्या करें करने से ग्रोथ होगा? लैब 3 मंथ में 9 kg सर, नॉट अ बैड, लेकिन हाँ हम अगर 10 किलो को से प्लस कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये देख तो समय हमें काफी हेल्प कर रहा है, ये बेस्ट टाइम है डॉग की ग्रोथ का सर्दियाँ। तो आपको बस सिंपल क्या करना है, एक तो पेट के कीड़ों की दवाई का ध्यान रखना है, जब जरूरत पड़े तब देनी है। दूसरा सेकंड जो पॉइंट बनता है आपका, वो आपको ये करना है कि डॉग को आप फीड जितना वो डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से दीजिए, ये ना हो कि फीड आप अपने तरह अपने हिसाब से निर्धारित करो कितनी उसको देनी है उसके हिसाब से दीजिए, और साथ में मल्टीविटामिन कैल्शियम कंटिन्यू देते रहिए। अंकित यादव, सर मेरा 40 डे का जर्मन शेफर्ड है और वो सोता बहुत है और वॉमिट कर देता है। देखो सर, जो सोना तो बुरी बात नहीं है, क्या एज बताई इन्होंने? 40 डेज का। सर छोटा पप्पी जितना खाकर सोएगा उतना वो ग्रोथ करेगा, वो ज्यादा बेटर है, सोना बहुत जरूरी होता है। दूसरी रही बात सर वॉमिटिंग की, उसके एक दो मुख्य कारण होंगे, एक हो जाता है ओवर फीडिंग, दूसरा होता है डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी में दिक्कत, क्योंकि छोटे बच्चे को हमेशा डाइजेस्टिबिलिटी की दवाई आपको देनी चाहिए सुबह शाम, ताकि उसके पेट में गैस ना बने और गैस से उसको उल्टी ना आए। तो बस ये है, पैनिक मत होइए, जितना वो सोएगा उतना बेटर है, थोड़ा दिन रुक जाइए, फिर ऐसा समय भी आएगा आप खुद कहोगे कि भाई अभी मुझे छोड़ तो सोला थोड़े समय के लिए, तो नथिंग, बट ये जो उल्टी है डाइजेस्ट नहीं कर रहा, अगर तो वो थोड़ा बहुत पानी निकाल रहा है तो अलग दवाई है, अगर वो खाया जो खाना वो निकाल रहा है तो अलग दवाई है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके नियर बाई डाइजेस्टिबिलिटी की दवाई कहीं मिल रही है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो नियर बाई आप किसी डॉक्टर को चेक भी करा सकते गुरप्रीत गुरी, पिटबुल प्राइस नाउ सर प्लीज। हो। हम पिटबुल नहीं सेल करते आए, सॉरी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सुजल चोपड़ा, अकीता कितने का आता है? इसका डिपेंड है, ये कुछ 50-60-70 हज़ार से शुरू होने वाली ब्रीड है और लगभग लाख तक चली जाती है, डिपेंड मदर फादर ब्लड लाइन ऐसी कुछ चीज़ें, विद पेपर विदाउट पेपर, इन सब चीज़ों के ऊपर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। वीर कुमार, सर पेडिग्री स्टार्टर जर्मन शेफर्ड पप्पी के लिए सही है? हाँ बिल्कुल, देखो स्टार्टर किसी भी कंपनी का या कोई भी फीड कभी बुरी नहीं होती, आप छोटा पैकेट लीजिए, पहले ट्राई कीजिए हफ्ता 10 दिन, कैसे खा रहा है, पचा रहा है, स्टूल कैसा पास आउट कर रहा है, क्या बिल्कुल हेल्थी है नॉर्मल है, क्या वो ग्रोथ भी कर रहा है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो मुख्य चीज़ें हमें थोड़ी जज करनी होती हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि यार मैं कुछ इससे ज़्यादा कुछ और कंपनी की फीड ट्राई स्टार्टर ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप कर भी सकते हो। सौरभ, सर मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है पर उसके हेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही है? वो 5 ईयर की है, चिकन एग डीवॉर्मिंग ने टाइम टू टाइम होती है पर फिर भी हेल्थ नहीं बढ़ती है, प्लीज सर रिप्लाई। गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड से कैसे ब्रीड्स होती हैं जो फिट रहती हैं हमेशा फिट, क्यों? क्योंकि उनको हर टाइम वो एक्टिव अग्रेसिव उछल कूद भाग कूद सब करते हैं, तो अपनी कैलोरी वो बर्न कर देते हैं तब ऑन दैट टाइम। मोस्टली क्या है कि अगर डॉग को मोटा करना है, किसी भी डॉग को मोटा करना है, तो उसको आप केजिंग कीजिए, चेनिंग कीजिए, मान लीजिए खिलाइए और सुलाइए, तो वो भी बॉडी वेट पुट ऑन कर लेंगे। दूसरी है कि उसके लिए मोटा करने के लिए तो ऑब्वियसली डॉग फीड आपको लगेगी, मल्टीविटामिन कैल्शियम, बॉडी गेनर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारी कंपनी बनाती है और कंपनियां बनाती हैं, तो किसी भी कंपनी के आप बॉडी गेनर भी ले सकते हो, लेकिन जितना आप उसकी उसकी एक्सरसाइज कम करवाओगे, वॉकिंग में रनिंग में उछल कूद करने में, जितना आप कम उसको वो चीज़ करवाओगे उतना आपका डॉग अगर भर पेट खाएगा आराम करेगा वो, तो वो इंसानों की तरह ही है, आप खाकर सो जाइए आपका वेट बढ़ जाएगा, आप खाकर आराम कीजिए, सोफे पर बैठे रहिए टीवी देखते सारा दिन, तो आपका वेट बढ़ जाएगा, सेम डॉग है।
अखिलेश वर्मा सर, समटाइम्स आई गेट पपीज इन चीप रेट देन यू यू चार्ज सो हैवी, व्हाई डोंट निगलेक्ट दिस नो कॉइन। नो नो, मैं नहीं, मैं कभी भी किसी बात, देखो नेगेटिविटी से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं खुद पॉजिटिव गुरुद्वारे मंदिर चर्च मस्जिद सब जगह जाता हूँ, मैं कोई मुझे बुरा भी कह दे मैं कभी किसी की टेंशन ही नहीं लेता, ये चीज़ नहीं है मेरे में। बाकी रही बात सर देखो पपीज़ की, जर्मन शेफर्ट या मान लो रॉटवाइलर, उसका प्राइस आज पंजाब में जर्मन शेफर्ट आपको 10-12 में स्टार्टिंग प्राइस मिलेगा, रॉटवाइलर कुछ 13-15 में स्टार्टिंग प्राइस मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइस मेरे से कोई 20 किलोमीटर दूर कोई ब्रीडर है, या मेरे से कोई 200 किलोमीटर दूर ब्रीडर है, या मेरे से कोई 2000 किलोमीटर दूर ब्रीडर है, उसका प्राइस भी सेम ही हो, क्योंकि डॉग के ऊपर कोई जीएसटी लागू नहीं है। हर एक बस को उस, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं, आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, बहुत बढ़िया बढ़िया पपीज, बहुत बढ़िया बढ़िया, क्योंकि लोग कभी उस किसी को भगवान ना करे किसी घर में कोई नौबत आए कोई दिक्कत आए, पैसों की जरूरत होती है, और वो जो 20,000 की चीज है वो 5,000 में देकर चला जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक का एक अपना प्राइस है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्वालिटी हमेशा बिग रोल प्ले करती है। मान ली अगर हस्की की बात करो, हस्की में बॉडी कलर मार्किंग भी आएगी, उसकी प्राइस ऊपर नीचे में, बॉडी कलर, आंखों का कलर और बॉडी कलर मार्किंग, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। बुल्ली की बात करो, बुल्ली में आंखों का कलर, बॉडी का कलर और बॉडी की हैवीनेस, राइट। अगर आप जर्मन शेफर्ड की बात करो, जर्मन शेफर्ड में बॉडी कलर, हैवीनेस एंड कोट, हर एक चीज को अलग अलग हिस्सों के हिसाब से उसका प्राइस अप डाउन होता है। जैसे गाड़ियां हैं, बेस मॉडल, मिडिल मॉडल, टॉप मॉडल, क्या क्या फीचर्स, अगर आप गाड़ी के अंदर जाकर देखोगे आपको फिर मालूम पड़ेगा कि इसमें ये फीचर है। दूर खड़ी देखने से आपको लगेगा कि हाँ भाई ये वो मॉडल, ये वो गाड़ी है, नाम है, मॉडल क्या है वो पास जाकर मालूम। ऐसे डॉग में है, ये थोड़ी डीपली बातें हैं, काफी मुश्किल है बता पाना, लेकिन अगर पंजाब का ब्रीडर लेब्रा कितने में दे रहा है, जरूरी ये नहीं है कि यूपी का ब्रीडर या फिर एमपी का ब्रीडर या फिर बिहार का या फिर महाराष्ट्र का, केरला का, कहाँ का ब्रीडर क्या रेट दे रहा है, हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस है। तो वो है, मैं नहीं कहता, आप जहां से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट, देखो ये चैनल है आपकी हेल्प के लिए, डॉग सेल करने के लिए नहीं है, जहां से मर्जी डॉग लीजिए, लेकिन हमें परेशान जरूर कीजिए कॉल कर कर, मैसेज कर कर, मेरा डॉग खा नहीं रहा, मेरा डॉग पी नहीं रहा, मेरा डॉग को ये प्रॉब्लम है, भगवान ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें परेशान जरूर कीजिए प्लीज आप, डॉग यहीं से मर्जी लो। रेनी वालिया, हाय गरेवाल जी, सत श्री अकाल, माई शिजू पपी इज 11 month, आई एम गिविंग हिम रॉयल कैनन स्टार्टर फीड 4 times मल्टी विटामिन एंड डिजिटॉन सिरप, माई पपी इज नॉट ईटिंग वेल, ही इज 2.8 kg, इज हिज वेट गुड? देखो अगर आप शिरजू, शिरजू है ना, हाँ जी, शिरजू की बात कर रहे हो तो वेट बहुत बढ़िया है, राइट। लेकिन आप अगर 11 महीने में है, स्टार्टर फीड आप मत दीजिए, उसमें फैट प्रोटीन अधिक होती है, कभी कभी डॉग जैसे आप कह रहे हो कि स्टार्टर फीड 90 दिन या 100 दिन तक देना अनिवार्य होता है, फिर प्रेग्नेंट डॉग को देना जरूरी होता है। लेकिन आप थोड़ी, अगर वो थोड़ा खाने के ऊपर चूजी हो रहा है ना, आप लीवर टॉनिक की हेल्प ले रहे हो, ले ले सकते हो, आप डॉग फीड चेंज कर कर दे सकते हो, स्टार्टर की जगह पप्पी वाला फूड दे दे सकते हो, पप्पी में स्मॉल ब्रीड, ब्रीड में भी अडल्ट फीड आती है, वो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि छोटी ब्रीड है, छोटी ब्रीड को लगभग 8-9 महीनों 10 महीनों के बाद अडल्ट माना जाता है, तो आप उसके बाद वो फीड भी ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्रीड होती हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव ब्रीड होती हैं, इनको प्यार कहीं कोई कहीं आपने डांट दिया कुछ हो या गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो प्लीज आप उसको खाने को थोड़ा मजेदार बना सकते हो, उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हो तरह तरह की चीजों की, तो ऐसी थोड़ी सी इन ब्रीडों को हमेशा बहला फुसला कर रखना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके सर चढ़ जाए। आर्यन शर्मा सर, डबरमैन कैसी ब्रीड है और आपका सजेशन बताइए। डबरमैन पिंचर इज बहुत बहुत बढ़िया वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग होते हैं। अगर आप 20 साल पीछे पंजाब में जाओ तो लोग पूछा करते थे कि भाई तेरे पास डबरमैन नहीं है, ऐसा हैरान हुआ करते थे, तेरे पास डॉग नहीं है वो। लेकिन समय बदला, कुछ चीजें बदली, बहुत बिग रोल प्ले हो गया, लेकिन आज भी जो लोग डाबरमैन के दीवाने हैं वो अगर अब्रोड से या कहीं से वापस आएंगे तो डाबरमैन पिंचर ही रखेंगे ये। लेकिन हाँ ये बड़े घरों में रखा जाता है ज्यादातर, प्लीज। द गेम चेंजर सर, फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए अमेरिकन बुली, इट्स गुड फॉर फैमिली।
हाँ डिपेंड, अगर आपका घर बड़ा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर घर छोटा है तो आपको समय देना पड़ेगा अच्छी लंबी वॉक के लिए। बुली बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं, बुली बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, लेकिन फैमिली डॉग भी है। लव कुमार, हेलो सर, 75 डे ओल्ड जर्मन शेफर्ड, वेट 9 kg है, ठीक है क्या? 75, 9 kg, गुड, बहुत बढ़िया। वही वो नौ नौ 90 दिन में 10 kg को टच करना, जो मैं बार बार कहता हूँ, आप वहां पहुंच गए हो। अभिषेक राय सर, मेरा जर्मन शेफर्ड का टेल राउंड है, स्ट्रेट कैसे होगा? जर्मन शेफर्ड सर, अगर आपने एज बताई होती तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करता। छोटा पप्पी होता है, वो कभी कभी टेल घुमा लेता है, उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं होती माय फ्रेंड। और जब भी डॉग को आप नॉर्मल बिहेवियर में ना हो, स्ट्रेंजर घर में आए या उसको आप नई जगह लेकर जाओ, तो वहां भी उसका बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं होता। कानों की पोजीशन और होगी, टेल की पोजीशन और होगी, वो थोड़ा घबराया हुआ रहता है, हर टाइम अलर्ट अटैकिंग मूड में या ज्यादा डर गया मूड में। तो अगर तो कुछ ऐसा है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर वो अडल्ट है, उसकी टेल बिल्कुल घूमी हुई है, तो अच्छी बात नहीं है। आयुष त्रिवेदी सर, मेरी लेफ्ट फीमेल के चेस्ट में कुछ व्हाइट है, हेयर है, आ गए हैं, 5 मंथ की है, तो प्योर लेफ है या नहीं? सर अगर तो थोड़े बहुत बाल व्हाइट आए हुए तो पैनिक वाली बात नहीं है। अगर एक पूरा गुच्छा बालों का आ गया है व्हाइट वाला, तो है, लेकिन 5 मंथ में जाकर व्हाइट बाल आना, इसका और भी कारण हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, भगवान ना करे कुछ हो, कोई कमियां बॉडी में, स्किन के रिलेटेड, तो आपके नियर बाय कोई डॉक्टर है, आप इसको चेक करवाइए, क्योंकि बॉडी के ऊपर कहीं कहीं व्हाइट बाल आना बिग इशू नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आए, और वो भी 5वें मंथ में जाकर। सज्जन शर्मा, हेलो सर, मेरी लेब्रा फीमेल को आई 31 डे हो गए हैं मेटिंग करवाए हुए, उसके 8 थम्स बाहर आ गए हैं और 2 थम्स बाहर नहीं आ रहे, क्या रिजल्ट फाइन होगा? सर देखो, हाँ कुछ हम साइन यहाँ से भी लेते हैं, और लेकिन कभी कभी बिल्कुल पास में जाकर बाकी के थंब बाहर आते हैं, वो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ही डॉग 45 डेज से प्लस जाए मीटिंग के, आप एक्सरा या स्कैनिंग करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड, क्या सुविधा है आपके वहाँ, आपके बिल्कुल सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे व्हाइट डिस्चार्ज करना, डॉग थोड़ा लेजी हो जाना, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको मेरे वीडियोस देखे होंगे आपने, कि क्या क्या मैं साइन आपको बताता रहता हूँ कि ये प्रेगनेंसी के कुछ भी हो सकते हैं। कृष्णा कुलकर्णी सर, मेरे व्हाइट शेफर्ड के आंख पर एक व्हाइट स्पॉट हुआ है, पिन साइज प्लीज, विल इट ग्रो, व्हाट इज इट? सर इट्स वेरी हार्ड टू से एनीथिंग विदाउट सी दैट माय फ्रेंड, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे अपने पास हमारी ऐप तो होगी, बोला शोला के नाम से, आईफोन एंड्रॉइड फोन दोनों पर है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर मैसेज मी का एक कॉलम है, ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर फोटो सेंड कीजिए अपने डॉग की और साथ में वॉइस मैसेज, मैं देखूँ कि इधर फिर भी फिर आपको कुछ गाइड कर पाऊँगा माय फ्रेंड। बड़ी एक अटैक भाई, आपके लिए कहते हैं लोग कि आप फ्रॉड करते हो, डॉग हेल्थी नहीं भेजते। ऐसा नहीं है भाई, वो मैंने कहा था कि वो एक दिल्ली में जो सेंट बर्नार्ड का केस हुआ था, वो एक्चुअली वो चीज़ कुछ और थी, वो जो वो स्टूडेंट के पास दौड़ गया, वो भी खुद भी पढ़ता था बेचारा, तो बिग रीज़न क्या था कि उसके पास, आई डोंट नो कि मैं नहीं उसको अभी गलत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैटर यहाँ पर एक कुछ जो फ्रॉड का है वो मैटर है पैसे का। तो आपको मैं आपको बार बार हाथ जोड़ रहा हूं कि किसी को कभी भी उधार मत दो, नहीं तो आपको भी लोग फ्रॉड बोलेंगे, क्योंकि आपने क्यों आपने अपने पैसे जो मांग लिए किसी से, तो बी केयरफुल ऑन दैट। बाकी दूसरी रही बात रही, जब भी हमारा प्रोसेस है काम करने का, पप्पी सेल करने का अलग, मान लीजिए आपने फोन किया, आपको रॉटवाइलर चाहिए, हमने आपको रॉटवाइलर की फोटो सेंड की, हमने या फिर आपको आपने कहा वीडियो सेंड कीजिए, हमने वीडियो भी सेंड की, अगर आपने पप्पी फाइनल कर दिया, हमें पैसे भेज दिए, तो पप्पी यहाँ से डिस्पैच होने से पहले आपको वीडियो कॉलिंग करवाई जाएगी, उसके साथ खाने की खेलने का वीडियो सेंड किया जाएगा कि सर डबल चेक कर लीजिए, ये खा रहा है पी रहा है, एवरीथिंग इज देयर, हमारा बंदा आपके वहां छोड़कर आएगा, फिर आपको दोबारा सर चेक कर लो अभी खा रहा है पी रहा है ये देखो, फिर हमारा तीसरे दिन दूसरे दिन यहाँ से कॉल जाता है उनको कि सर देखो खा रहा है पी रहा है एवरीथिंग ओके। अभी अगर वो महीने के बाद बोले कि भाई पप्पी वीक है, तो इसमें हमारी गलती क्या, क्योंकि
इससे ज्यादा हम और सर्विस क्या दे दें सर, राइट? तो हम अपनी तरफ से अपना पार्ट पूरा प्ले कर रहे हैं, लेकिन भाई किसी को उधार मत देना, नहीं तो आप भी फंस जाओगे और वो बंदा पैसे नहीं देगा और आपको कह देगा कि आप ही फ्रॉड हो। तो बी केयरफुल, उधार मत देना किसी को। मैं फंसा हूं पठानकोट में, मुझे मालूम है। राहुल शर्मा सर, मैंने रॉटवाइलर का मीटिंग करवाया है, आज 26 डे दिन हो गए हैं और अभी भी टॉयलेट के बाद 2-3 ड्रॉप ब्लड वो निकल ज्यादा रहा है। पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये जो एक आध बूंद गिरना, ये कभी कभी 40 दिन तक भी चलता है, वो डरने की बात नहीं है। लेकिन ये ज्यादा ना हो, जैसे ही ये भगवान ना करे अगर ज्यादा होता है तो फिर आपको नियर बाय डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और भगवान ना करे ऐसी नौबत आए। मिस्टर भंगारी, व्हाट टू डू इफ स्मॉल रॉटवेलर इज गेटिंग अग्रेसिव व्हाइल प्लेइंग? सर देखो, ये है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। अगर आप कोई भी अच्छा वॉच डॉग या गार्ड डॉग ले रहे हो, या मान लीजिए फैमिली डॉग ही ले रहे हो, उसको कभी भी आप अपने ऊपर हावी मत होने दो। छोटा बच्चा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो आपको घुरा रहा है, वो तो आपके साथ प्ले कर रहा है। जब भी डॉग का जब बार्किंग का एक नॉइज वॉइस निकलता है ना, वो अलग अलग निकलता है। जब वो आपसे प्यार करना होगा तो अलग तरीके से भौंकेगा, जब वो आपसे फूड की डिमांड करेगा अलग तरीके से भौंकेगा, जब वो कोई स्ट्रेंजर घर में आएगा तो अलग तरीके से भौंकेगा, और भगवान ना करे अगर वो बीमार हो तो अलग तरीके से आपको बताएगा। तो ये आप जब डॉग रखते हो ये सब समझ जाते हो विद इन 4 to 5 months। लेकिन छोटा पप्पी है, उस बेचारे को भी ये भी नहीं मालूम, वो खेलने के लिए भी आपको ग्रह कर रहा है। लेकिन आप दो चीजें हमेशा डॉग को आप हमेशा सिखाइए, एक उसका नाम और एक आप नो बोलना। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे पंजाब में पंजाबी में, मराठी में, हिंदी में, जो भी आप भाषा अपने घर में यूज करते हो, उस भाषा में उसको नहीं बोलना, नो बोलना जरूर सिखाइए। डॉग को लगभग यही कुछ 40-50 दिन के आसपास जाकर उसका नाम और नो कहना। जिस दिन आज ये डॉग सीख गया, आपकी आधी प्रॉब्लम सर गई। डॉग को कभी भी घर का बॉस बनने मत दीजिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, खासकर छोटी ब्रीडों से। ये बॉस बन गए ना, ये फिर आपको वे देखना क्या घुमाते हैं। नूर हुंदल सर, मैंने न्यू अमेरिकन बुली लिया है, अभी सिर्फ 46 डे का है एंड फैमिली। और जो सर उनका क्वेश्चन था, डॉग को मारना नहीं है, शाउटिंग, जितना आप उसको गुस्से का फेस से दाकर बोलोगे नो, गुस्से से, अग्रेशन से, वो डर जाएगा। और आप हमेशा डॉग के ऊपर हावी ही रहोगे और रहना भी चाहिए। नूर हुंदल सर, मैंने न्यू अमेरिकन बुली लिया है, अभी सिर्फ 46 डे का एंड फैमिली फीड के लिए नहीं मान रही, तो उसको होम फूड क्या डालूं जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो? माय फ्रेंड, ये तो काफ़ी झमेले वाला काम हो गया सर। देखो, बिना डॉग फीड के डॉग को ग्रोथ करना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन अगर फिर भी घर की सिचुएशन भी है तो मैं ये कह सकता हूँ आप दही दे सकते हो। दही में अभी अब मैं क्या बोलूँ सर, सारा लेक दाल कर दीजिए डॉग वाला, राइट? वेज वेज डॉग फीड आती है, वो ले आइए, राइट? उसको मैश कर लीजिए, वो आप दही के साथ दे सकते हो, पानी के साथ दे सकते हो, राइट? अदरवाइज सर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चावल खिला दो, चौपाती खिला दो, हो सकता है इस छोटे बच्चे का पेट खराब हो जाए। 90 दिन के बाद बात अलग है। तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि घर वालों के साथ बात कीजिए, एक एक निश्चित समय के लिए तो जरूर डॉग को डॉग फीड पर रखिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको घर के खाने पर शिफ्ट कर सकते हो आप। लेकिन कोई भी नमक, मिर्च, मसाला, मीठा, दूध आदि मत देना। संतोष ठाकुर, सो आई कैन डू इट फॉर मी टू कम टू द स्टोर एंड गेट अ चांस टू गेट अ चांस? हाँ, क्या नाम है सर का? संतोष ठाकुर, संतोष ठाकुर। सर मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पाया माय फ्रेंड, प्लीज आप या तो मैं दोबारा क्वेश्चन जल्दी दोबारा पूछिए, या फिर ऐप में आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अभिषेक जायसवाल सर, मेरी ग्रेट डेन फीमेल हीट पर है और आई 11 डे भी, ब्लड डार्क रेड है, मेटिंग कब कराऊं? सर देखो, ब्लड थोड़ा लाइट होने दीजिए, कभी कभी 12, 13, 15 दिन तक भी चले जाता है, तो आप पैनिक मत होइए, वेट कीजिए थोड़ा सा। नहीं तो आपके नियर बाई कोई अच्छा डॉक्टर है तो वहां पर आप स्लाइड स्लाइड चेक करवा सकते हो, वहां भी बना सकते हो स्लाइड, वहां तो फिर तो आपको प्रॉपर डेट मालूम पड़ी जाएगी कब मेटिंग करवानी चाहिए। तन्मय घोष सर, आई वॉन्ट टू बाथ माई पप हु इज 45 डे ओल्ड। तो इसके लिए आप ड्राई बाथ चूज कीजिए, किसी भी कंपनी का। आप हमारी www.bholachola.com खोलिए,
वहां पर शैम्पू सेक्शन में जाइए और आपको ड्राई बाथ वहां मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है और ये आपको डॉग को बिना पानी लगाए आप डॉग को बिल्कुल टनाटन नई गाड़ी की तरह चमका सकते हो। लिनस रतन सर प्लीज टेल अबाउट बॉर्डर कोली। बॉर्डर कोली ब्रीड माय फ्रेंड, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं जितना चाहता था कि इंडिया में आकर ये बूम करे उतना नहीं कर पाया। आई डोंट नो कि क्या रीजन है इनके पीछे, तो थोड़ा मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो जरूर दूंगा क्योंकि जितनी जल्दी ये पिटबुल या अमेरिकन बुली आकर छा गए पूरे इंडिया के ऊपर, बॉर्डर कोली ब्रीड भी लगभग बुरी नहीं है, बट आई डोंट नो कि वाई ये उस तरह क्यों नहीं अपना एक जाल फैला सके पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बेटी आई वॉन्ट डॉग बट माई फैमिली डोंट वॉन्ट। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो हमारा वैसे वीडियो है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस करूँ। बस यही होता है कि मम्मी मम्मा पापा से बैठकर आप बात कीजिए कि किन किन टॉपिक पर उनका क्या क्या इश्यूज हैं या क्या क्या उनके कंसर्न है। इशू नहीं कहूँगा, कंसर्न कहूँगा कि क्या क्या है। अगर उनका ये प्रति है कि आप पढ़ाई पर नहीं ध्यान दोगे, अगर है वो डॉग को टेक केयर नहीं करोगे, हमें करनी पड़ेगी, तो वो मैटर वो चीज़ों को सॉल्व आउट कीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि हम मम्मी पापा के घेंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो चीज़ों को सॉल्व आउट कीजिए ताकि आपको प्रॉपर वो चीज़ का पिन पॉइंट मालूम पड़े कि मम्मी कहाँ से, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत बड़े हैं, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें दुनियादारी सब चीज़ें जानते हैं, राइट। तो मेन है कि उनका जो हमें दिल जीतना है विद प्रॉपर फेथ के साथ। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। सुशांता खंडा ने 40 रुपीज की सुपर चैट भेजी। का क्वेश्चन कोई, क्या नाम सर का? सुशांता खंडा सुसाता खलरा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस माय फ्रेंड। आप हमें मालूम है आप जो भी हमें सब सुपर चैट के द्वारा सपोर्ट करते हो, उस स्ट्रीट डॉग की फीडिंग और जितना हम कर पाए उनके दवा दारू या केयर उनके में ही जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय फ्रेंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दी ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग माई फ्रेंड। सी यू अगेन थर्सडे अराउंड 6 PM। बट तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। बारिश होकर अभी साफ है लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जिन मेरे फ्रेंड्स से न्यू ब्रीड्स लाए हैं उनको आप ड्राई बाथ कीजिए अगर ज़रूरत पड़े, पानी से दूर रखिए, बिल्कुल मत नहलाइए। बॉडी में टिक्स हैं तो एंटी टिक्स पाउडर आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। डाइजेस्टिबिलिटी की सब दवाई साथ में जरूर रखिए और कपड़े जरूर पहनाइए क्योंकि अभी भी ठंडी कहीं नहीं गई है, क्योंकि अगले हफ्ते में या संडे के आसपास फिर बारिश बताई गई है। तो भी टेक केयर माई फ्रेंड्स, और जिनके घर में नए बच्चे हुए तो उनका भी वगैरह टेम्परेचर मेंटेन रखिए, हीटर वीटर लगाकर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। हमेशा अपना ध्यान रखिए, लेडी लेडीज का रिस्पेक्ट कीजिए, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और अपने पेट का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो अपनी फैमिली को दीजिए माई फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, बाय माई फ्रेंड।